আপনারা দেখছেন ইনসাফ বাংলা। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। हम इनको पूछना चाह रहे हैं कि कभी तो सच बोलो, इतना झूठ क्यों बोलते तुम लोग कांग्रेसियों? यानी झूठ भी इनसे शर्मा जाना, इतनी झूठ बोलते। आसाम में जो एनआरसी हुआ, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया, मगर क्या ये बात सच नहीं है कि तुम्हारी पार्टी ने उसको शुरू किया था? तुम ये समझ रहे हो कि हम तारीख नहीं जानते? तुम्हारी पार्टी की वजह से एनआरसी शुरू हुआ। आसाम अकॉर्ड तुमने साइन किया था, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था। जब तुमको ख्याल नहीं आया एनआरसी का, और आज तुम मालेगांव में आकर ये कहते हो कि एनआरसी अगर मुल्क में आएगी तो मजलिस कुछ नहीं करेगी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, जितने भी मेरे जलसे मालेगांव में हुए, मैं उनमें तमाम एक बात हमेशा कहता रहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। जो काम कांग्रेस शुरू करती है उसको बीजेपी मुकम्मल करती है। कितनी मिसालें दूं? अगर यहां पर कोई कांग्रेसी चूहे की तरह किसी बिल में छुपकर मेरी आवाज सुन रहा है तो सुनो। 2004 से 2014 तक तुम्हारी हुकूमत थी दिल्ली में, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार थी। आज अगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है, वो फाइल 10 साल तक दिल्ली में पड़ी रही। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तुम अगर वो फाइल को वापस भेजा देते महाराष्ट्र की सरकार को, तो फिर वो बीफ बैन होना मुश्किल हो जाता था। तुम उसको उठाकर रखे, और जैसे बीजेपी आई तुम्हारा आधा काम वो पूरा कर दिए। रिजर्वेशन आप मुसलमानों को देने का वादा किए, उस वक्त भी कहा, राज कह रहा हूं, तुमने ऑर्डिनेंस जारी किया। अगर तुम कानून पास कर देते तो कानून की अहमियत वजनदार होती जब कोर्ट में चैलेंज होता, मगर तुमने सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी किया। बीजेपी आई, ऑर्डिनेंस खत्म हुआ, मराठाओं को रिजर्वेशन मिल गया, और हमको सिर्फ लॉलीपॉप भी नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? आज आप बोलते एनआरसी आएगी, आप में उनमें क्या फर्क है बताइए आप? यकीनन एनआरसी अगर लाना चाहती है बीजेपी, तो हम जमहूरी तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं आप सारे मुल्क में एनआरसी? जब अमित शाह कह रहा है, बीजेपी कह रही है, तो बताओ कांग्रेस पार्टी तुम्हारा स्टैंड क्या? हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वतन अजीज भारत को एनआरसी की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को एनआरसी की जरूरत नहीं है, भारत को, इंडिया को नौजवानों की नौकरियों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है बताओ? कांग्रेस पार्टी खुलकर बोले, तुम एनआरसी की ताईद में हो या नहीं हो बोलो। बच्चे नहीं बोलना, तुम्हारा बाप बोलना। मालेगांव की गलियों में कुछ और दिल्ली के महलों में कुछ, मालेगांव की गलियों में कुछ बोलेंगे और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी की ताईद करेंगे। बताओ तुम्हारा क्या पॉलिसी है? और हमारा मानना यह है कि एनआरसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर बीजेपी कोशिश करेगी तो हम पूरे कानूनी जो मराहिल है उसको इस्तेमाल करेंगे। एनआरसी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एनआरसी की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आसाम में आपने क्या किया देख लिया। कांग्रेस पार्टी की वजह से एनआरसी आसाम में आया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था, यह और बात। और जब एनआरसी आसाम में आया,
तो क्या निकला उसमें? ये तमाम बीजेपी कांग्रेस समझ रहे थे कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम अकलियत का नाम होगा, मगर 19 लाख के नाम में जैसा भी मुफ्ती साहब ने कहा, एक आदाद शुमार के एतबार से नहीं मालूम सच्चाई क्या है, ज्यादा ना कम नाम मुसलमानों के उसमें है। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाएंगे। बताओ कांग्रेस पार्टी, तुम्हारा क्या स्टैंड है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब लोकसभा में लाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी उस बिल की तायद में नहीं वोट दिया तुमने? बोलो मेरी बात को, जवाब दो तुम। और सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है बताता हूं आपको कि बीजेपी ये बिल में कहा कि मुसलमानों को छोड़कर जितने मजहबी तबके के लोग हैं, यानी ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख, इन तमाम को हिंदुस्तान की शौर्यत देंगे, सिटीजनशिप देंगे सिवाय मुसलमानों को। बताओ जब ये लोकसभा में आया तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तायद की नहीं की? बताओ। मैं उठकर मजलिस का मौकफ का इजहार करके कहा कि ये जो बीजेपी की सरकार सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रही है, जिन्ना की तहरीक को रिजेक्ट किया, आज हम टू नेशन थ्योरी को कामयाब करेंगे। पुराना साउथ अफ्रीका की तरह यह कानून बनाया जा रहा है। बताओ कांग्रेस वालों, जब ये तुम्हारा बिल आया, तुम्हारी पार्टी ने तायद की नहीं की? कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, और ये समझ रहे कि हमको नहीं मालूम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा है खड़े हो जाओ, खड़े होने का टाइम आ गया। बिल्कुल टन टनाटन खड़े हो जाओ। 21 तारीख को भी दिन खड़ा करना है, मुफ्ती साहब को कामयाब करना है, कांग्रेसियों को घर में बिठाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज